तो दोस्तों कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूँ कि बहुत ही अच्छे होंगे। आज इस वीडियो के अंदर हम बेसिकली बात करने वाले हैं मीम टोकन्स के कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स को, जो कि हम सभी को जानना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। बिकॉज दोस्तों हम जो है अल्ट कॉइन से ज़्यादा मीम टोकन के अंदर इंटरेस्टेड रहते हैं इन्वेस्ट करने के लिए, और करते भी हैं। हम सोचते हैं कि हम 1000 रुपये से 5000 रुपये या 10000 रुपये इन्वेस्ट करके करोड़ों का प्रॉफिट ले, एक करोड़पति बन जाए, और ये हम इंडियंस का सोच है। चाहे मैं हूँ उस जगह, या आप हो, या किसी भी हो, कोई भी हो, सब लोग यही सोचते हैं। मैं खुद भी अपना भी बोल रहा हूँ कि मैं भी यही सोचता हूँ। बट कुछ पॉइंट्स है जिसको हमें बिल्कुल नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए मीम टोकन्स के अंदर अगर हम इन्वेस्ट कर रहे हैं तो। ये पॉइंट्स को हमें जरूर यहाँ पर जो है ध्यान रखना चाहिए, तभी हम क्रिप्टो के अंदर और मीम टोकन्स के अंदर खास के प्रॉफिट बना सकते हैं, नहीं तो लॉस के अलावा हमें कुछ भी नहीं मिलेगा। जी हाँ दोस्तों, वीडियो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट और यूजफुल है, तो मेक श्योर कि वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। पहली बार अगर इस चैनल पे आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन पर क्लिक करके टेलीग्राम के चैनल मस्ट जोड़िए फॉलो करना, सभी के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो दोस्तों पॉइंट नंबर फर्स्ट, पहला जो पॉइंट है, डोंट इन्वेस्ट इन अ रैली। जब रैली स्टार्ट हो जाए, बोलते हैं ना, चढ़ती हुई ट्रेन के अंदर हमें कभी नहीं चढ़ना चाहिए, क्योंकि मैक्सिमम चांस वहां पर एक्सीडेंट होने का होता है। चढ़ पाओगे आप? चढ़ने की कोशिश करोगे तो रेल दुर्घटना तो आप सुनते ही हो। तो कुछ उस तरह का ही दोस्तों, अगर कोई क्वाइन, चाहे हम जितना भी उसको लाइक कर ले, फॉर एग्जाम्पल बेबी डॉज क्वाइन की ही बात करें, अगर उसका रैली स्टार्ट हो गया, अगर वो काफी अच्छा ऑलरेडी 2x 3x प्रॉफिट दे चुका है और ऊपर जा रहा है, तो हमें वहां पर उस प्रोजेक्ट को इग्नोर कर देना चाहिए, हमें उस प्रोजेक्ट को छोड़ देना चाहिए। हमें ये सोचना चाहिए कि ये ट्रेन निकल चुकी है और अब जो है ना, ये ट्रेन कभी भी वापस रिवर्स गियर में आ सकती है। हमें उस टाइम और उस पॉइंट के अंदर बिल्कुल भी इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए। और हमारे मैक्सिमम जो इन्वेस्टर है और मैक्सिमम मेरे भाई है ना, इसी पॉइंट पे फंसते हैं। चाहे वो लास्ट अभी मैं बात करूं रिसेंट के अंदर, रिच कॉक, लवली इनू, बिटगर्ट, कुछ क्वाइंस है जो कि अच्छा रैली दिया है और मेरे भाई लोग खूब फंसे हैं इसके अंदर। टॉप के ऊपर बाइंग हुई है और उसको प्रॉफिट नहीं बुक कर पाए। तो बिल्कुल इस चीज का हमें ध्यान रखना है नेक्स्ट टाइम से, कि हमें जो है हमेशा बाइंग एक पॉइंट के ऊपर करना है। जब उसका डंप हो जाए, जब साइडवेज डायरेक्शन में चले और बिल्कुल बॉटम हो, फिर हमें वहां पर इन्वेस्ट करना है, देन हमें वेट करना है। सेकेंड पॉइंट, डोंट बी ग्रीडी। और ये चीज मैं हमेशा आप सभी से बोलता रहता हूं, हम क्रिप्टो के अंदर आए हैं ओनली ऑन प्रॉफिट बुक करने के लिए, प्रॉफिट कमाने के लिए। तो हमें जो है ज्यादा ग्रीडी नहीं होना है, ज्यादा लालची नहीं होना है। देन दोस्तों हमें किसी भी प्रोजेक्ट से प्यार नहीं करना है, और ये अप्लाई होता है मीम टोकन के अंदर सबसे ज्यादा। बिकॉज मीम टोकन को जरूरी नहीं कि जो इस रैली के अंदर चला वो नेक्स्ट रैली में भी चल पाएगा। कोई जरूरी नहीं होता कि अभी वो चल रहा है तो आगे भी चल पाएगा। और ये चीज सबसे ज्यादा मीम टोकन के अंदर ही देखा गया है। मार्केट के अंदर काफी सारे मीम टोकन्स आए हैं और काफी सारे चले भी गए हैं, उसका अता पता भी नहीं है। तो हमें दोस्तों सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल, मैं तो हमेशा आपको पॉइंट बताता ही रहता हूं और हमेशा हमें ये चीज याद रखना, अगर हम एक पॉइंट के ऊपर इसको किसी भी क्वाइन को बाय करते हैं, फॉर एग्जांपल बेबी डॉज क्वाइन को मान लो 1000 के रेंज में, 80 के बाद 1000 का रेंज है, वहां पर हम बाय किए, अगर वो 2000, 3000 या 5000 यानी 2x से लेके 5x हमारे को प्रॉफिट दे दिया है, तो हमें प्रॉफिट को बुक कर लेना चाहिए। जी हाँ दोस्तों, हमें ज्यादा लालच नहीं करना चाहिए। पॉइंट नंबर थर्ड, जो कि काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, प्रॉफिट तो हमें बुक करना चाहिए, लेकिन दोस्तों पार्ट्स के अंदर, मीम टोकन के अंदर भी ये चीज अप्लाई होता है। क्योंकि फॉर एग्जांपल बेबी डॉज कॉइन को हमने 1000 में खरीदा, वो अभी 5000 तक गया, हम वहां पर थोड़ा सा प्रॉफिट बुक करेंगे। मान लो कि मतलब 2x 2 3x, यानी कि अगर हमने 1000 लगाया है, वहां पर वो 5000 रुपया बन चुका है, हम 2000 से 2500 रुपये वहां से निकाल देंगे। 2000 रुपया को हम रहने देंगे थोड़ा टाइम तक, देखेंगे कहां तक ये जा रहा है। और बियर मार्केट में भाई ज्यादा सरवाइव नहीं कर सकता, 10x 20x बहुत भाई फिर नीचे जाएगा ही।
फिर यहाँ से 5x गया, थोड़ा सा और हमें प्रॉफिट बुक कर लेना चाहिए। बियर मार्केट के लिए मैं कह रहा हूँ, बुल मार्केट में तो भाई हर एक क्वाइन ही ऊपर रहता है, तो इस तरह की हमें स्ट्रेटजी को अपनानी चाहिए। ज़्यादा ग्रीडी नहीं होना है, हमें प्रॉफिट को बुक करते रहना है। नेक्स्ट फाइनल, जिसके अंदर मैं सभी पॉइंट को एक ही बार में मैं बताना चाहूँगा दोस्तों, कि हमें जो है पार्ट्स के अंदर अगर हम सेल कर रहे हैं तो हमें पार्ट्स के अंदर ही बाय करना चाहिए। मान लो रिच कॉक है, मान लो बेबी डॉज कॉइन है, हमें इसके अंदर $20 इन्वेस्ट करना, तो अब ये नहीं कि एक ही पॉइंट पे जाओ और लगा दो, बिल्कुल भी नहीं। कम से कम अगर बिटमार्ट के ऊपर बाय कर रहे हो $10 दो बार, get.io के ऊपर बाय कर रहे हो $5 चार बार, और मैं यही स्ट्रेटेजी अपनाता हूँ, कम से कम 20% 30% के मार्जिन गैप के साथ जो है आप बाय कर सकते हैं। देन पार्ट्स के अंदर बाय करना है, पार्ट्स के अंदर सेल करना है, अच्छे प्रोजेक्ट्स को हमें चूज करना है जिसके अंदर हलचल हो रही है, जिसका हाइप है, जिसके अंदर वॉक हो रहा है, जिसका डेवलपर एक्टिव है, जिसकी कम्युनिटी एक्टिव है, ठीक है। देन दोस्तों अगर मैं बात करूं तो ऐसे प्रोजेक्ट को हमें चूज करना है जिसके अंदर हाइप ऑलरेडी बना हुआ और बनता हुआ जा रहा है और चांसेस है बनने का। एक ही प्रोजेक्ट के अंदर हमें सारा पैसा नहीं लगाना है, एक ही मीम टोकन के अंदर हमें सारा पैसा नहीं लगाना है। अगर हम सिर्फ और सिर्फ $100 ही अगर इन्वेस्ट करना चाहेंगे तो कम से कम 5 से 10 प्रोजेक्ट होने चाहिए, 5 से 10 मीम टोकन होने चाहिए जिसके ऊपर हमें इन्वेस्टमेंट करना है। अगर उसमें से 2-4 भी चल गया तो आपका लाइफ रियली में चेंज हो सकता है। बट आप पूरा का पूरा एक ही प्रोजेक्ट में लगा दोगे और सोचोगे भाई ये तो कमाल करेगा, बाकी सब इसके आगे में फीके हैं, तो ये आपकी भूल है और गलती है और इसमें आपका ही लॉस होने वाला है। तो ये कुछ पॉइंट्स है दोस्तों जिसको हमें बिल्कुल नजरअंदाज नहीं करना चाहिए, याद रखना चाहिए, ध्यान रखना है आइंदा से, नेक्स्ट टाइम से किसी भी मीम टोकन के अंदर इन्वेस्टमेंट करने से पहले। जी हाँ दोस्तों, आशा करता हूँ कि आप बिल्कुल समझ गए होंगे ये पॉइंट्स। अगर आप इन सभी में से कौन सा ऐसा पॉइंट है जिसको आप कैरी नहीं करते हैं, जिसको आप फॉलो नहीं करते हैं, मेक श्योर हमसे आप शेयर कर सकते हैं। अगर डाउट भी है कोई इस पॉइंट्स को लेकर, ये भी हमसे आप कमेंट में पूछ सकते हैं या फिर हमारा डायरेक्ट टेलीग्राम के ऊपर हमसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं। पहला ही लिंक डिस्क्रिप्शन का मिल जाएगा, मेक श्योर जाओ, ज्वाइन हो जाओ और हमसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं। बाकी मिलता है नेक्स्ट में, आज कितना ही, जय हिंद जय भारत, वंदे मातरम।